तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हार्डवेयर नेटवर्किंग वर्सेस सीसीएनए कोर्स, यानी कि बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं कि हार्डवेयर नेटवर्किंग कर लें या सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट या सीसीएनए कर लें, तो बेसिकली उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स के बारे में। बेसिकली जो इनका काम होता है हार्डवेयर नेटवर्किंग में जो जॉब करते हैं, तो उसमें आपको हार्डवेयर भी सपोर्ट देना पड़ता है, नेटवर्क भी सपोर्ट देना पड़ता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट देना पड़ता है एज अ स्टार्टिंग करियर में। फॉर एग्जाम्पल किसी की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क भी आपको ही चेंज करनी पड़ेगी, रैम करप्ट हो गई वो भी आपको ही चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपका वहाँ पे कोई भी क्या कंपनी में कोई एप्लीकेशन है, कोई यूआरएल है वो नहीं चल रहा, तो वो भी आपको ट्रबल शूट वहाँ पे करना पड़ेगा कि वो कैसे है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैकएंड से सपोर्ट लेना है या अगर किसी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई, लाइक जैसे कि वो सिस्टम जो होता है वहाँ पे जो एक्टिव डायरेक्टिव वगैरह पे कॉन्फिगर होते हैं, अगर वो डीएससीपी नहीं उठा रहा है या पीपा आईपी उठा रहा है या सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चल रहा है या और भी किसी तरीके का इशू है। एंड दोस्तों जो इसका स्टार्टिंग कैरियर है वो अराउंड आपको मिल जाएगा 15,000, 20,000 या 25,000, बाकी आपके टैलेंट पे या उस कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। आप अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपको 15-20 से स्टार्टिंग मिल जाती है, और कई कंपनी जैसी होती हैं जो बिग यानी कि ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वहाँ पे पैकेज ही अकॉर्डिंग हायर करती हैं, लाइक 3 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज या 5 लाख का पैकेज। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है या मतलब कितनी बड़ी कंपनी है वो। दोस्तों अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट की यानी कि सीसीएनए की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक कोर फील्ड की जॉब होती है। कोर फील्ड इन द सेंस कि अगर आप सीसीएनए पे गए हो तो ज़्यादातर 90% केसेस में आपको वहाँ पे नेटवर्क वगैरह की ट्रबल शूटिंग करनी होती है, लाइक अगर डीएससीपी है या पीपा आईपी उठा रहा है या इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है या किसी यूज़र को इंटरनेट पे ब्लॉक करना या जो फायरवॉल होते हैं, राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, इनको कॉन्फिगर करना, इनको मैनेज करना, इनका मेंटेनेंस वहाँ पे देखना, तो बेसिकली ये काम होता है सीसीएनए का। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी और ग्रोथ की, तो सैलरी स्टार्टिंग में जो होती है इसके भी अराउंड आपको यही मिलेगी 15 से 20 के अकॉर्डिंग, बट इसमें एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपको एक कोर फील्ड में जॉब मिलती है, लाइक नेटवर्किंग में सीसीएनए किया, फिर सीसीएनपी किया, फिर सीसीआई किया, तो वो फिर इंटरनेट एक्सपर्ट वहाँ पे बन जाते हैं, तो वो बेसिकली एक कोर फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है। एंड इतनी ज़्यादा इसमें भसड़ नहीं होती है कि ये इशू वो इशू, इतना काम उतना काम, यानी कि अगर काम होगा भी आपको तो पर्टिकुलर उसी प्रोफाइल का काम होगा। अगर वहीं पे बात करूँ मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग की, तो उसमें तो हार्डवेयर भी आप ही को सपोर्ट करना है, नेटवर्क भी, एप्लीकेशन भी, सारी चीज़ें फिर आपको ही सपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीसीएनए के लिए एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पर सपोर्ट करना होता है। एंड बेसिकली इसका जो सैलरी पैकेज वो डिपेंड करता है कंपनी पर भी एंड इंस्टीट्यूट पे भी। कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो आपको स्टार्टिंग करियर में यानी कि वो पूरा उनका जो बजट होता है कि इतना फीस लेंगे, 1 लाख 1.5 लाख, या ऐसा नहीं है कि 15,000 या 20,000 या 10,000 में भी नहीं कराते, 10,000 15,000 वाले भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी कराते हैं। एंड इसके बाद अगर आप कोई अच्छे एक ब्रांड इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो वहाँ पर गारंटी भी लेते हैं, 3 लाख 4 लाख का पैकेज हम दिलवाएंगे या ऐसी सारी चीज़ें, और वहाँ से प्लेसमेंट वो दिलाते भी हैं। इनकेस अगर आपने सीसीएनए का एग्जाम आता है वो क्वालिफाई कर लिया है तो फिर आपको 100% सैलरी वहाँ पे अच्छी खासी मिलती है, 3 लाख के ऊपर ही अराउंड मिलती है इसके अराउंड पे। अब कंफर्म नहीं है कि 3 लाख ही, कंपनी पे भी मैंने बताई, कंपनी पे भी सैलरी आपकी डिपेंड करती है और आपके टैलेंट पे भी डिपेंड करती है कि आपका इंटरव्यू वहाँ पे कैसा गया। एंड दोस्तों क्या है हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर आप करोगे तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, इसका एक ही एडवांटेज होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो फिर वो वहाँ सर्वर में मूव हो सकते हो, AWS क्लाउड में मूव हो सकते हो या लिनक्स प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, लेकिन अगर बंदा एक बार जब सीसीएनए कर लेता है तो फिर वो उसके बाद वो कुछ सोचता है कि हम सीसीएनपी करें, यानी कि नेटवर्क का एक प्लस ही सर्टिफिकेट करें, ना कि वो सीसीएनए करके फिर एमसीएससी करेगा, फिर एमसीएससी यानी कि सर्वर में जाएगा। लेकिन हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला बंदा वो वहाँ पे जा सकता है, वो चाहे लिनक्स करके या और किसी फील्ड में अगर जाना चाहे आईटी की, तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होती हैं।
आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल से अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हूँ वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद बेल आइकन को वेट कर लें ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट ऐसा क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।